राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। वैशाख अमावस्या 2024। इस वैशाख अमावस्या पर बन रहे हैं शुभ योग, ऐसे करें पितरों की पूजा, मिलेगा लाभ। हिंदू धर्म में वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या को बहुत ही खास माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है और स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार वैशाख अमावस्या किस दिन है और इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान का शुभ समय क्या है। वैशाख अमावस्या 2024। वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे वैशाख अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वैशाख अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और पितरों की पूजा की जाती है। इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए, उनको शांति प्रदान करने के लिए पितृ तर्पण, पिंडदान, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराने की परंपरा है। इस वर्ष वैशाख अमावस्या पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण ये अमावस्या इस बार और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कब है वैशाख अमावस्या 2024? हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 7 मई दिन मंगलवार को सुबह 11:40 से आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 8 मई दिन बुधवार को सुबह 8:51 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 8 मई बुधवार को मनाई जाएगी और दर्श अमावस्या 7 मई को मनाई जाएगी। बन रहे हैं 3 शुभ संयोग। इस वैशाख अमावस्या के दिन 8 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सौभाग्य योग सुबह से लेकर शाम के 5:41 तक रहेगा। इसके बाद से शोभन योग की शुरुआत होगी। ये योग पूरी रात तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 1:33 पर शुरू होगा और ये अगले दिन 9 मई की सुबह 5:34 तक रहेगा। भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन भरणी नक्षत्र सुबह से लेकर दोपहर के 1:33 तक रहेगा और इसके बाद से कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वैशाख अमावस्या 2024 स्नान दान का शुभ समय। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है, इसलिए आप इस दिन स्नान और दान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। यह ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:10 से सुबह के 4:52 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त। वैशाख अमावस्या के दिन लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह के 5:35 से सुबह के 7:15 तक रहेगा और इसके बाद अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का आरंभ होगा, जो कि सुबह के 7:15 से आरंभ होकर सुबह के 8:56 तक रहेगा। अमावस्या के दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से सारे काम पूरे हो जाते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए। पीपल को अर्पित किया गया जल देवों और पितरों को ही अर्पित होता है। इसकी वजह यह है कि पीपल में भगवान विष्णु और पितृदेव विराजमान होते हैं। इस दिन पीपल का पौधा रोपा जाना मंगलकारी होता है। पीपल की पूजा अर्चना करने से कई गुना फल मिलता है। वैशाख अमावस्या के दिन काले तिल, सफेद फूल और कुसा से उनका तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ दोष दूर होते हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य दें। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव को तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए।
अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण के भोजन और यथाशक्ति वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। पौराणिक कथा। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक कथा पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वे बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाले व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते हुए वह पितृलोक पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। वैशाख अमावस्या पर श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य मिलता है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है उनको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें। ऐसा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।